बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे खाना बनाने में कौन सा ये अलगी का प्रयोग करते हैं, क्लियर है, या फिर औषधि में कौन से अलगी का प्रयोग करते हैं, ये सब पूछता है, रिसर्च में, ये सारे चीज़ एग्जाम में पूछता है। तो ये आपका क्या रिवीजन है, स्फिग्नम लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, रिक्सिया, मर्केंसिया, ये सारे प्लांट्स किस में थे, ये सारे के सारे प्लांट ब्रायोफाइटा में थे। और मैंने आपको बताया था इसे ही क्या बोलते हैं, एम्फीबियन प्लांट कहा जाता है या एम्फीबियन क्लास यानी उभयचर वर्ग कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो पौधे होते हैं ना जल और स्थल दोनों पर होते हैं। टेडोफाइटा की हम लोग बात करेंगे तो इन्हें रेप्टाइल वर्ग कहा जाता है, रेप्टाइल क्लास, सरीसृप वर्ग, किसका, पादप जगत का। इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं बताइए, एजोला, फर्न, एक्वीस्टेम, मार्सीलिया, चालवीनिया इत्यादि, ये सारे प्लांट्स आते हैं। मैंने बताया था इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्या है, एक कोशिकीय प्लांट है, इसमें जड़, तना, फूल, पत्ती कुछ का भी विकास नहीं होता है। इससे थोड़ा सा डेवलपमेंट किसका होता है, ब्रायोफाइटा का, ये क्या होता है, थोड़ा सा डेवलप होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा डेवलप्ड ये होता है यानी पूर्ण रूप से डेवलप्ड टेडोफाइटा होता है, और इसमें जाइलम और फ्लोएम भी टिश्यू भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं खिलते, फूल नहीं खिलते। सेकेंड जो आपका है वो है आपका फेनेरोगेमी यानी पुष्पीय पौधा। ये पूर्ण रूप से विकसित पौधा होते हैं और इसके बारे में बताया जाता है कि ये सारे के सारे पौधे में सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे आपके फूल, फल, तना, पत्ती, जड़, सारे के सारे जो अंग होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक है जिम्नोस्पर्म और सेकेंड क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनावृत बीजी और ये क्या है, आवृत बीजी। मैंने इसको बताया था कि नग्न बीजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नग्न बीजी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा जिम्नोस्पर्म का तो कोई क्लासिफिकेशन था नहीं, ठीक है, बस इसका क्या था, डायरेक्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन आते हैं, सिकोया और चीर, देवदार और हाँ पाइनस, साइकस। आवृत बीजी को दो भागों में बांटा गया, एक एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडोन और एक डाइकोटिलेडोन या डाइकोट के नाम से भी जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या आपका मन तो पूरा लिख लीजिए डाइकोटिलेडोन, दोनों लिख सकते हैं, यानी एक बीजपत्री, एक बीज वाला और ये क्या है, द्विबीज वाला। एक बीज के अंतर्गत कौन कौन आएगा, केला, घास, लहसुन, प्याज, सभी प्रकार का जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बजरा, रागी, ठीक है, हाँ। द्विबीज के अंतर्गत सारे फ्रूट, ठीक है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, सारे फ्लावर, सारे प्रकार के दाल और आपके जो मौसमी फल होते हैं, रसदार फल जैसे मौसमी और तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, इसी में आएगा आपका आलू, बैंगन, टमाटर, हरा मिर्चा, अफीम, बेलाडोना, ये सब आएगा, वो बता सकते हैं। क्या आपको यहाँ पर बुलाया जाए तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है जो कल बताया था, आप तो कल आए थे ना क्लास, आप आके बोर्ड पर बता सकते हैं, समझाना नहीं बस खाली बना देना है एग्जाम्पल सहित, आपसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप अच्छा जवाब देते हैं। नहीं बना सकते हैं
बना दीजिएगा तो आपको एक उपहार स्वरूप चॉकलेट दिया जाएगा। हाँ सेम टू सेम, नेक्स्ट पेज पे। नहीं याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद है तो बनाइए, आपको चॉकलेट मिलेगा, शाबाशी मिलेगा, ठीक है। और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, क्या नाग बनी कि नाग फनी ना, नाग फनी कैक्टस ना, यही ना, इसका अलग क्लास आएगा, ठीक है। कैक्टस का ये डायरेक्ट, इसका क्या लगता है, इसका तना लगता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या है, इसका तना यही होता है ना। जीरोफाइटिक प्लांट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये क्या है, जीरोफाइटिक प्लांट के अंतर्गत आता है, क्लियर है। ये क्या आएगा, इस ये आपका आ जाएगा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत, ठीक है। जितने भी जीरोफाइटिक प्लांट है ना, मरुस्थलीय प्लांट, वो सब आ जाएंगे इसी के अंतर्गत, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते, ठीक है। क्या भैया है 24? चलिए आप लोगों से सितंबर भर का टाइम हो मिल गया है नहीं। क्लास लगेगा तो हो ही जाएगा, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, जाके ऑफिस में बोलिएगा आप लोग कि नहीं हम लोग को जल्दी ख़त्म करा दीजिए बायोलॉजी। मैंने तो क्लास बता दिया, गिन के पूरा क्लास है, ठीक है। मैक्सिमम 35 डेज के भीतर में आपका ख़त्म हो जाएगा मैक्सिमम क्लास। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि मैक्सिमम, बाकी और सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वाले सर से पूछिए, नोट्स तो दिया हुआ है, मांग लीजिए ऑफिस में। हाँ ऑफ नोट्स दिया हुआ, दिखा देती हूँ मैं कैसा नोट्स है। पहला हेडिंग डालिए, चलिए इसके बारे में लिखना है आप लोग सभी को, हेडिंग डालिए सभी लोग। नोट्स दिया हुआ है, जाके आप पता कीजिए, यही वाला है नोट्स, इसमें सारा थ्योरी लिखा हुआ है, बॉटनी जूलॉजी सारा। और अगर आप ये पढ़ लेंगे ना, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। चलिए हेडिंग डालिए तो करवा लीजिए, लेकिन मेरे में रंगा पोता रहेगा, रंगा पोता का मतलब पूरा हाइलाइटर मारा हुआ है मेरे में, भेज देंगे आप लोग को। प्लांट किंगडम क्या बोलिए, एक दिन के लिए, अच्छा दे देंगे, ले लीजिएगा। प्लांट किंगडम हेडिंग डालिए, लिखिएगा। चलिए सभी लोग कॉपी पेन खोलिए, बातचीत नहीं, चलिए कॉपी पेन खोलिए, लिखिए वनस्पति जगत, इसी को बोलते हैं प्लांट जगत, ठीक है। वनस्पति जगत का वर्गीकरण, वर्गीकरण एकलर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एकलर नाम के वैज्ञानिक ने किया, हालांकि ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, कम पूछा है, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग बनाइएगा इसमें, पहला क्या था आपका, क्रिप्टोगेमी था ना, क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस भी बोलते हैं इसको, लिखिएगा। अपुष्पीय पौधा, अपुष्पीय पौधा या अपुष्पोद्भिद, लिखिएगा इसमें, लिखिएगा इस वर्ग के अंतर्गत
वैसे पौधों को रखा गया है जिसमें जिसमें फूल नहीं खिलते हैं, फूल नहीं खिलते हैं तथा फूल नहीं खिलेगा तो फल भी नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो बीज भी नहीं बनेगा। तो लिख लीजिएगा तथा फल एवं बीज नहीं बनते हैं या नहीं पाए जाते हैं। आगे लिखिएगा इसे मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। जो ऑफर मैंने आज आप लोग को दिया था ना टॉफी वाला ऑफर, ये हर क्लास में रहेगा। ये मेरा नया स्कीम है आप लोगों के लिए। जब जब मैं डायग्राम से पढ़ाऊंगी शॉर्ट नोट, अगले दिन मैं आप लोग के लिए ये ऑफर रहेगा, जो बनाएगा उसको एक टॉफी मेरे तरफ से अवार्ड के तौर पे। क्या इस दिन गायब रहिएगा तो मेरी गलती थोड़ी है, उसके अगले दिन, ठीक है। चलिए फर्स्ट लिखिएगा थैलोफाइटा, तीनों का नाम लिख लीजिए। थैलोफाइटा डबल एल है, थैलोफाइटा। सेकंड है ब्रायोफाइटा, और थर्ड है क्या आपका टेरिडोफाइटा। एग्जाम का डेट आ गया है ना, अब देखिएगा सारे के सारे जितने अजगर और गोमन्ना सांप है सब अपने अपने बिल में से निकलेंगे, समझे बात को। मतलब स्टूडेंट क्या रहता है ना, सोया रहता है, ठीक है, फॉर्म भर दिया एकदम आराम से मजे में सोया हुआ है। जब एग्जाम का डेट निकलता है सब अपने अपने क्या होता है, बिल से बाहर निकलता है। अरे अभी एग्जाम आ गया, ये केवल बिहार पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर एग्जाम में ऐसे ही होता है। सारे बच्चे अभी क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, फॉर्म भरता है फॉर्म, कुछ लोग तो फॉर्म भरने के साथ ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग अभी कहते हैं फॉर्म है, डेट थोड़ी आया एग्जाम का, जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा सब खतबदा के बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसे सांप को अगर आग दिखाई तो कैसे खतबदा के बाहर निकलता है, एग्जाम डेट आपका वही करता है, क्लियर है। अब इसका पहला हेडिंग डालिएगा थैलोफाइटा, फर्स्ट हेडिंग क्या है इसका, हेलो फाइटा। लिखिएगा यह पादप जगत का या वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग यही होता है, सबसे बड़ा वर्ग है। इस वर्ग में अविकसित पौधे या वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्ती फूल फल इत्यादि में विभाजित नहीं रहता, ठीक है, विभाजित नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा कवक यानी फंगी, अगला लिखिएगा शैवाल यानी अलगी। अब इन सब के बारे में आपको जानना है, लाइकेन एंड बैक्टीरिया यानी जीवाणु,
आपको क्या करना है, बारी बारी से सबके बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पर अगला कोई नंबरिंग नहीं डालना है, बस ऐसे एरो डाल के, या आपका मन है तो ऐसे पॉइंट बहुत लोग डाल के लिखते हैं या स्टार मार्क करके लिखते हैं, जिनको जैसे लिखते हैं वैसे लिखिएगा। हेडिंग बनाइएगा कवक यानी फंगी। कवक यानी फंगी। बहुत सुंदर लिख रहे हैं, वैसे लिखा कीजिए आप लोग, वही थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाया कीजिए। डॉक्टर साहिबा आपका लिखाता है ना रूम पे फेयर कॉपी, मैं चेक करूंगी जैसे ही बॉटनी खत्म होगा, सबका फेयर कॉपी चेक होगा जूलॉजी स्टार्ट होने से पहले। हो गया सबका यहाँ तक? बोला कि जब मैम प्लीज मूव, ठीक है, या केवल प्लीज भी बोल दीजिएगा ना तो मैं हट जाऊंगी, ठीक है, नहीं तो इशारा कीजिएगा तो हम आपके इशारा पे चलने वाला आदमी थोड़ी है। आप अपनी बीवी को चलाइएगा अपने इशारों पे, ठीक है। चलिए फंगी में लिखिएगा, फंगी में लिखिएगा, यह अंधेरे स्थानों पर, अंधेरे स्थानों पर पाया जाता है। कोई बताएगा स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, हाँ, कवक का अध्ययन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे लिखिएगा इनकी शेल वॉल, मशरूम क्या है, कवक है, आगे लिख लीजिए, पहले यही लिखिए, मशरूम एक प्रकार का कवक है, मशरूम एक कवक है। आपके एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है, लिखेगा क्वेश्चन मशरूम क्या है, ऑप्शन ए शैवाल, ठीक है, ऑप्शन बी कवक, ठीक है, ऑप्शन सी लाइकेन, या ऑप्शन डी बैक्टीरिया या वायरस, दे देगा कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मशरूम क्या है, कवक है, फंगी है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, मशरूम एक कवक है, क्लियर है। लिखिएगा कवक से होने वाले रोग, फंगी से होने वाले रोग, कोई बताएगा आप लोग को कोई रोग होता है कि नहीं फंगी से होने वाला, वेरी गुड, बहुत अच्छा, दाद, खाज, खुजली, दम्मा, एक्जिमा, सब क्या है, अरे आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं, खुजली करने वाले टैक्स लगा ले, नेशनल पद पहले देता था, हाँ, एथलीट फूड भी इसी से होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए लिखिएगा कवक से होने वाले रोग, लिखिएगा दम्मा, एक्जिमा, ये सब स्किन डिजीज, दमा जो है सांस वाली बीमारी, एक्जिमा स्किन डिजीज, एथलीट फुट रोग, एथलीट फुट रोग, अगला दाद, खाज, खुजली और गंजापन, टकला होता है ना बाल्डनेस, ये इसी की वजह से होता है, इत्यादि कर दीजिए, ठीक है। पौधों में भी होता है, गन्ना देखे, गन्ना ईख जो आप लोग चूसते हैं, गन्ने में एक लाल रंग का रोग हो जाता है, वो भी फंगी से होता है, लिखिएगा इसी में, क्या चीज, हाँ हाँ, लेकिन वो भी क्या है, फंगी की वजह से, तो वो बजरा का है, ये क्या है, गन्ना का, लिखिएगा, ये एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, और ये डिजीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, लिखिएगा गन्ने का लाल सरन रोग, लाल सरन रोग कवक के कारण होता है। लिखिएगा आगे नोट, एक विष होता है, विष मतलब जहर, पॉइजन,
ठीक है, एफला नाम का, एफला विष जो होता है ये भी कवक से ही बनता है, फंगी से बनता है, ठीक है। अगला हेडिंग दीजिएगा, कवक हो गया, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, शैवाल की बात करेंगे। अगला हेडिंग बनाइएगा शैवाल यानी अलगी, ठीक है। शैवाल जानते हैं ना, मैंने बताया था पानी वाला एरिया में जो काई हो जाता है वो क्या होता है, वो क्या है, शैवाल ही है, ठीक है। दिखेगा आगे शैवाल अलगी, दिखेगा यह पानी वाले स्थान या नमी वाले स्थानों पर, नमी वाले स्थानों पर सूर्य के प्रकाश वाले भाग में पाए जाते हैं। अब कोई बताएगा कि अलगी का स्टडी किसमें करते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शैवाल का अध्ययन वहाँ माइकोलॉजी, तो यहाँ फाइकोलॉजी कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग, नोट तक पहुँच गए ना सभी लोग, और नोट के ऊपर नहीं ना है कोई, ठीक है, नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का बाउंड्री में नहीं होना चाहिए। ये हो गया शैवाल। अब शैवाल में कई प्रकार का क्या होता है, प्लांट्स होता है जो आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है जिसमें जल अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। और वो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उस पौधे को अपने साथ लेके जाते हैं ताकि उनको पानी की कमी और ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लिखिएगा यूजेज यानी प्रयोग, इसका प्रयोग शैवाल का, ठीक है, शैवाल का लिखिएगा। ए नंबर, खाने में कौन से शैवाल का प्रयोग करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है, यानी भोजन में, तो लिखिएगा लेमिनेरिया नॉस्टॉक एनाबिना, लिखिएगा लेमिनेरिया नॉस्टॉक, बहुत सारा है लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछता है आप वो लिख लीजिए, लेमिनेरिया नॉस्टॉक एल्बा एनाबिना इत्यादि, सारगासन भी है, एक सारगासन या गौसन भी बहुत लोग लिखता है, ये भी लिख लीजिएगा इत्यादि, ठीक है। ये खाने में यूज होता है, जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं ना वो लोग भी इसको खाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे वगैरह में जो लैंड होता है ना वहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसको खाने में प्रयोग करते हैं। सेकेंड पूछता है आयोडीन बनाने में, तो लेमिनेरिया और इक्लोनिया, जो लेमिनेरिया है ना यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका खाने में भी और आयोडीन बनाने में भी प्रयोग होता है, लिखेगा बी नंबर आयोडीन बनाने में दो ठोका, एक लिखेगा लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया, और लिखिएगा फ्यूकस और एक्लोनिया, फ्यूकस एक्लोनिया, ठीक है, ये मुख्य बातें हैं। थर्ड लिखिएगा आप अनुसंधान कार्यों में, अनुसंधान का मतलब समझते हैं, रिसर्च में, रिसर्च में आपका क्या हो जाएगा, क्लोरेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्लोरेला, और लिखिएगा एरिस्टोबुलेरिया और बेलोनिया, बेलोनिया वो गांव का नाम है, ठीक है, बेलोनिया और एरिस्टो बेलोरिया,
ये हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोट बना के। जैसे मैंने बोला कि एफला नामक विष किससे बनता है, फंगी से बनता है, बताया मैंने अभी जस्ट ऊपर। एफला नाम का जो पॉइजन होता है वो किससे बनता है, फंगी से बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखिएगा, क्लोरेला का प्रयोग, क्लोरेला शैवाल लिख लीजिएगा, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग प्रयोग शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष यान में यंत्र में ले जाते हैं। यह प्रयोग लिखा हुआ है, ठीक है, ले जाते हैं, खाने में प्रयोग करते, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है। पानी होगा तो ऑब्वियसली से बात है ऑक्सीजन तो होगा ही, ठीक है। थर्ड जो इसका नंबरिंग है, अगला एरो बना के लिखिएगा, लाइकेन। लाइकेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसका जितना भी उदाहरण है ना, फंगी, अलगी, लाइकेन, बैक्टीरिया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अभी जो मैंने ऊपर में डिफिनेशन लिखवाया कि इनका शरीर ऐसा होता है वैसा होता है, वो एग्जाम में कम पूछता है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे क्लोरेला का प्रयोग क्वेश्चन रहेगा चार, और देखिए यहाँ पर आपका क्या ढेर सारा शैवाल का नाम है, ये रहेगा ऑप्शन में, पूछेगा निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाने में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर, कौन होगा, क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला क्या होगा, अंतरिक्ष क्षेत्र, यहाँ भी क्लोरेला आपका लिखा हुआ है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हाँ, पौधे गमला में लगा के लेके जाएगा, और कैसे लेके जाएगा, बड़ा बड़ा लेके जाता है, क्यों पानी डालता जाता है, वो अपना बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है उसमें, ठीक है। इसी का प्रयोग जो होता है ना, जो माली लोग जो होते हैं ना, माली जो फ्लावर फूल ले जाते हैं, तो जो माली लोग होते हैं ना, इसका भी, इसका तो कम प्रयोग करते हैं, स्फेग्नम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। स्फेग्नम जो होता है, अभी आएंगे हम लोग, जब हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, तो जो स्फेग्नम है ना, उस प्लांट का प्रयोग माली अपने साथ करे ताकि फूल सूखे नहीं, देखते नहीं, फूल लंबे समय तक, सप्ताह दिन तक क्या होता है आपका, हरा भरा रहता है, खिला हुआ रहता है, मुरझाता नहीं है, बहुत दिन के बाद मुरझाता है। अरे ऐसा थोड़ी है कि आज भोलेनाथ का सोमारी है और कल ही आ गया है घरे से, ऐसा नहीं होता है। वो सप्ताह दिन पहले खेती होती है, वहाँ से कट के ट्रक में लदा के आती है फूल, तो वो सूखता नहीं है। इसके पीछे कोई ना कुछ रीजन होगा। जो स्फेग्नम प्लांट होता है उसको क्या करते हैं, उसी के साथ में लेके आते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये सर्वाधिक मात्रा में क्लोरेला जो है ऑक्सीजन और जल की आपूर्ति करता है और पानी का, ठीक है। तो इससे अंतरिक्ष यात्री को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, ठीक है। अगला लिखिएगा लाइकेन। लाइकेन के बारे में लिखिए, लिखिएगा यह कवक और शैवाल की योजक कड़ी होती है, मतलब इसमें कवक का भी गुण पाया जाएगा और शैवाल का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषित क्यों होता है, कोई बताएगा, वायु में कौन सी गैस ज्यादा रहेगी तो वायु प्रदूषित होगा, CO2 तो आप लोग रोजे छोड़ते रहते हैं, तो कहाँ प्रदूषित होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में अगर ये हो जाएगा ना, तो ये वायु प्रदूषित कहलाएगा, ठीक है। और जहाँ, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्या पोल्यूशन है, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर लाइकेन प्लांट उगेगा ही नहीं, ठीक है। जहाँ पर शुद्ध वातावरण रहेगा वहाँ पर लाइकेन प्लांट इजिली क्या होते हैं, जम जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसीलिए इसको वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको मन है आगे एक लाइन बढ़ा लीजिए, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वायु में वहां पर लाइकेन का विकास नहीं होगा, ये लाइन भी लिख लीजिए। तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अब आगे लिखिएगा लाइकेन का भी बहुत सारा यूजेज है, ठीक है। अब दो तीन लाइकेन के बारे में एग्जाम में पूछता है कि पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है और चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। सुनिएगा, जो लाइकेन जो होते हैं वो आपका जो पेड़ों पे उगते हैं उनको, जो पेड़ की छाल पर उगते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोर्टिकोलस। क्या बोलते हैं? कोर्टिकोल्स कहते हैं। और जो चट्टानों पर उगते हैं उनको सेक्सिकोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है, लिखिएगा पेड़ों पर उगने वाले, पेड़ों पर, पेड़ों की छाल पर लिखिएगा, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलेंगे? कोर्टिकोल्स। हिंदी में भी आप लिख लीजिए कोर्टिकोल्स। और अगला लिखिएगा चट्टानों पर, चट्टानों पर डाइजेस्ट कर दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे? सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स कहा जाता है, ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए, कुछ ऐसा लाइकेन है जिसका प्रयोग हम लोग परफ्यूम बनाने में करते हैं। परफ्यूम बोले तो इत्र, इत्र नहीं इत्र होता है, मैं जानबूझ के इत्र को इत्र बोलती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है बोलने में, ठीक है। सब बहुत सारा स्टूडेंट क्वेश्चन को कोर्चन नहीं बोलता है, सर कोर्चन दीजिए जानबूझ के, चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे इत्र को इत्र बोलने में ज़्यादा मजा आता है। तो लिखिएगा यूजेज, अगला यूजेज ऑफ लाइकेन, लाइकेन का उपयोग। अच्छा, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे लिटमस पेपर, हाँ, लिटमस पेपर जो है वो कैसे बनता है? वो लाइकेन ही होता है। और कौन वाला लाइकेन? रोसेला नाम का लाइकेन, लिखिएगा यूजेज। अगला हो गया है ना यहाँ तक सभी का यूजेज? फर्स्ट नंबर लिखिएगा रोसेला लाइकेन का प्रयोग, प्रयोग लिटमस पेपर में किया जाता है, लिटमस पेपर बनाने में, बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन में लिख दीजिएगा लैब में या प्रयोगशाला में, ऐसे याद रहेगा, ठीक है, लैब में। अगला लिखिएगा लोबेरिया इरवेनिया, लोबेरिया इरवेनिया, ठीक है, इन सब का प्रयोग इत्र बनाने में, इत्र बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा मिर्गी, सुने है ना मिर्गी, मिर्गी में क्या होता है? हाँ, बॉडी वाइब्रेट होने लगता है, बहुत लोग बेहोश हो जाता है, दांत पर दांत चढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे मिर्गी आए तो जूता सुंघा दो, कभी ऐसा मत कीजिए भूल के, नहीं तो बहुत गंदा बदबूदार मोजा सुंघा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो सब उसमें उसकी जान जा सकती है, उसकी एक अलग प्रकार से दवाई आती है। तो ये जो लाइकेन आप देख रहे हैं ना, परमेलिया सेक्सटिलिस नाम का एक क्या होता है? लाइकेन होता है, उसका प्रयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। अगला लिखिएगा इसी में परमेलिया सेक्सटिलिस, सेक्सटिलिस लाइकेन का प्रयोग, लाइकेन का प्रयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है, मिर्गी की दवा बनाने में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, हो गया। आगे चलें, आगे चलें, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाइए। क्या हुआ जी, तबीयत ठीक है ना? सर दुख रहा है, पढ़ने में सर दुखा लगा, हाँ बोरिए से दुखा रहा है।
तीन दिन से दुखा रहा है, उस बात का टेंशन है। टेंशन नहीं लीजिए, बिंदास रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, और नौकरी लेने का, घर जाने का, ठीक है? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। देखिएगा नेक्स्ट, ये इसका, इस वर्ग का यानी हेलो फाइटा वर्ग का सबसे लास्ट परिवार कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इसकी खोज किसने किया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? देखिएगा बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। फुल नेम इनका क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने किया, ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने किया, लेकिन इसका नामकरण एहरेनबर्ग ने किया। सुनिएगा, जबकि इसका नामकरण एहरेनबर्ग ने किया, ठीक है। अब बताइए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाएगा? जिसने खोजा, ठीक है, जिसने खोजा, वो एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। जीवाणु विज्ञान का पिता या जनक, जीवाणु विज्ञान इसको बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी फसलों के लिए क्या होते हैं, वो काफी यूजफुल होते हैं, काफी लाभदायक होते हैं। लिखिएगा दो तीन बैक्टीरिया का नाम, लिखिएगा राइजोबियम, एग्जाम में पूछा हुआ है, राइजोबियम कॉमा ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम, और लिखिएगा एजिटोबैक्टर एजो एस्पिरिलम, एजिटो एजिटोबैक्टर एजो एस्पिरिलम, एजो स्पीरिलम, एजो स्पीरिलम, ये सब बैक्टीरिया के नाम हैं, ठीक है। स्पीरिलम नामक बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकरण यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। दूध से दही बनता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये भी एग्जाम में पूछा, वो क्या बैक्टीरिया की वजह से ही तो बनता है। अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के कभी दही को देख लीजिएगा ना, ऐसे खदमदा के दिखेगा, कभी जिंदगी में दही नहीं खाइएगा, लेकिन वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ठीक है, नुकसानदेह होते हैं, और कुछ लाभदायक होते हैं, जैसे आपका क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगला लिखिएगा, अगला क्या लिखना है, दूध से दही, दूध से दही बनता है, डैश लैक्टो बैसिलस जीवाणु के कारण, ठीक है। अच्छा बताइए, इसको हम लोग प्लांट किंगडम के अंतर्गत रख के क्यों अध्ययन करते हैं?
क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लिखिएगा, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसीलिए इसका अध्ययन पादप जगत में किया जाता है। ये हुआ आपका कंप्लीट रूप से थैलोफाइटा। क्या हुआ? फर्स्ट नंबर यानी थैलोफाइटा जाके कंप्लीट हुआ। ये एग्जाम में हमने बोला सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, यही है। ठीक है, हो गया सभी का? अभी राइजोबियम तक सभी लोग पहुंचे हैं और नीचे हैं। अगला सेकंड नंबर हेडिंग बनाइएगा, ब्रायोफाइटा। सेकंड हेडिंग, अब नया क्लास आया ब्रायोफाइटा। अब छोटा छोटा आएगा, तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिएगा, इस वर्ग में पाए जाने वाले पौधे वाले पौधों का विकास हो जाता है, लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू, इसको संवनियों तक बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। हाँ बोलिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में क्लोरोफिल, हरित लवक, लिख लीजिए, हरित लवक पौधों की पत्तियां हरी होती है, क्यों? क्लोरोफिल पाया जाता है ना, वही चीज है। बैक्टीरिया भी आपका हरे रंग का होता है, कल मैंने दिखाया तो था, कैप्सूल के शेप का था, ठीक है, वो बैक्टीरिया का ही इमेज था। वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, लिखिएगा, इस वर्ग को पादप जगत का उभयचर वर्ग यानी एम्फीबियन क्लास ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पौधे जल और स्थल, लैंड एंड वाटर, दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्या क्या है एग्जाम्पल? स्फेग्नम, रिक्सिया, मर्केंसिया, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट इत्यादि, लिखिएगा नोट। ठीक है, स्फेग्नम में सर्वाधिक जल अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका ब्रायोफाइटा। बोलिए, पूछना चाह रहे हैं क्या हुआ? स्फेग्नम
एग्जाम्पल है, मैं शॉर्ट में इजी लिखती हूँ। एग्जाम्पल आपका मन है तो आप ऐसे लिखिए, मैं ऐसे लिखती हूँ। ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ये लोकल अंग्रेजी है, ठीक है। नहीं तो उदाहरण लिखिए ऐसे, उदाहरण सीधा सीधा, या जैसे लिख लीजिए, जैसे आज छोड़ दें यहीं तक। हाँ अच्छा, हेडिंग बना के छोड़ लीजिए। अगला अगला हेडिंग बनाइए, टेरिडोफाइटा हेडिंग बना के छोड़ दीजिए। टेरिडोफाइटा ये नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा, और नेक्स्ट क्लास में ये लेसन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे कुल और वंश की बात करेंगे, ठीक है। ओके सभी को बाय।